नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। कंपनी के दोस्तों क्वार्टर टू के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं। रिजल्ट आखिर कैसे आए हैं वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं, और इस रिजल्ट का इफेक्ट कल के मार्केट पर कैसा पड़ने वाला है वो चीज़ भी दोस्तों विद इन प्रूफ जानकारी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों कंपनी की प्राइस पर अगर हम चर्चा करें तो प्राइस दोस्तों आज क्लोजिंग जो रही है लोअर सर्किट के ऊपर रही है। फिलहाल कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग के सामने आ चुके हैं। फिलहाल जो कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो अभी कंपनी के जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो नेगेटिव देखने को मिले हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम कंपनी की जो सेल नज़र आई है इस रिजल्ट के लिए वो रहने वाली है कि कंपनी, सबसे पहले मैं बता दूं कि करोड़ में कंपनी ने डेटा मेंशन किया है, और अभी कंपनी का जो रेवेन्यू इस रिजल्ट के लिए 682 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। टोटल अदर इनकम को अगर शामिल करके अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू अगर किया जाता है तो 771 करोड़ का रेवेन्यू इस रिजल्ट के लिए रहने वाला है। पर रिजल्ट नेगेटिव आए हैं अभी के टाइम कंपनी का दोस्तों जो टोटल एक्सपेंस अगर काट कर अगर टोटल अगर देखी जाती है बचौतरी, तो कंपनी का दोस्तों लॉस रहने वाला है इस रिजल्ट के लिए, जो अभी के टाइम 2.34 करोड़ का कंपनी का लॉस सीधे सीधे देखने को मिल चुका है। तो इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों जितना एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे कि कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, कंपनी डिविडेंड बोनस हमें पे आउट करेगी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों सपने ही रह गए हैं निवेशकों के लिए। क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी को अभी के टाइम अदर इनकम काफ़ी कम शामिल हुई है, और कंपनी को लगातार इंटरेस्ट जो है ज़्यादा पे आउट करना पड़ा है। तो इंटरेस्ट के चलते कहीं ना कहीं कंपनी का दोस्तों एक्सपेंस भी ज़्यादा रहा है, और कंपनी का अदर जो खर्च है वो भी ज़्यादा रहा है। तो अभी के टाइम इस रिजल्ट के लिए तो कंपनी को, निवेशकों को खासकर अभी के टाइम निराशा हाथ लगने वाली है कि कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, कमज़ोर निकल के आए हैं। इतना ज़्यादा दोस्तों कंपनी को जितना एक्सपेक्ट कर रहे उतना ज़्यादा कंपनी का लॉस हुआ नहीं है। लगभग ऑलमोस्ट जो देखने को मिला है 2.34 करोड़ का अभी के टाइम जो लॉस हुआ है इस रिजल्ट के लिए। आने वाले नेक्स्ट रिजल्ट में अगर रिकवर कर लेती है तो बेटर पॉजिटिव डेटा रहने वाला है। साथ ही साथ कंपनी की जो ग्रोथ है वो अभी काफ़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि कंपनी को लगातार दोस्तों जो सेल थी कंपनी की वो अच्छी खासी ग्रो हुई है। क्योंकि अगर कंपनी की सेल अगर अच्छी खासी ग्रो हुई है तो डेटा पॉजिटिव ऑलरेडी आ जाएंगे, आगे चलकर डेटा बेस मिल जाएगा। पर अभी जो देखने को मिला है कि कंपनी की कुछ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में कंपनी की SSP अगर देख ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर डेटा अगर देखते हैं, तो उसमें हमें चीज क्लियरली पता चलने वाली है कि कंपनी के अंदर FII की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और DII का कितना हुआ है। तो अभी के टाइम प्रमोटर्स की दोस्तों सेम बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव चेंजेस है नहीं। अभी के टाइम FII में बढ़ोतरी नजर आई है, DII में कोई बदलाव है नहीं। यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग जो थी वो घट चुकी है और FII की तरफ बढ़ चुकी है। टोटल कंपनी के इन्वेस्टरों में फिर से गिरावट नजर आई है, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के मुताबिक जो इन्वेस्टर की संख्या थी 20,63,337, वो घटकर अभी 19,80,552 ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि नेगेटिविटी और अभी के टाइम दोस्तों जो इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी से थोड़ा कम हो चुका है, और अभी के टाइम इस चीज़ का जो इफेक्ट है अब कल के मार्केट पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार पहली चीज़ तो ये देखने को मिल रही थी कि कंपनी पहले ही गिरावट में देखने को मिल रही थी, और कंपनी में अब जो गिरावट है कल और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि अभी कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है खासकर, तो RSI इंडिकेटर अभी के टाइम आज जो क्लोज हुआ है 32.81 अंकों के ऊपर, 32.81 अंकों पे जो मार्केट क्लोज हुई है दोस्तों RSI इंडिकेटर के ऊपर, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं साबित कर सकती है कि मार्केट में दोस्तों गिरावट जो है कल हो सकती है। डेटाबेस में सेलिंग ऑर्डर पर पहले जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी देखने को नज़र आई नहीं थी, क्योंकि उम्मीद ये लग रहा था कि कंपनी के रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव देखने को मिल जाएंगे, कंपनी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है। पर एक्सपेक्टेशन पर दोस्तों कंपनी एक बार फिर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि लगातार पिछले टाइम ये लग रहा था कि कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो पॉजिटिव आएंगे, स्ट्रॉन्ग रिटर्न कंपनी पे आउट करेगी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी दूर हो चुकी है। और अभी के टाइम प्रॉफिट लॉस था वो पॉजिटिव है, पर अभी कंपैरिजन में कंपनी का स्थान अभी टॉप 10 कंपनियों में है नहीं। नेगेटिविटी पर अगर हम कुछ चर्चा कर ले तो कंपनी का जो ब्याज एवरेज अनुपात है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास जो गिरवी रखे हुए शेयर नज़र आ रहे हैं 88.6%। जो कंपनी की जो अदर इनकम में अभी के टाइम जो डेटाबेस में शामिल नज़र आ रही है लगभग 11,000 करोड़ के आसपास, कर्जदार के जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी के ऊपर दोस्तों 3562 करोड़ रुपए का कर्ज है, और कंपनी का जो मार्केट कैप है 7,469 अभी के टाइम मार्केट कैप रहने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी की जो लागत कोस्ट है वो भी के टाइम काफ़ी हाई है, और कंपनी के जो कार्यकाल के जो दिन थे, कैपिटल जो जो दिन थे वो 396 से घटकर 173 पर आ चुके हैं। कंपनी ने कर्ज तेज़ी से कम करने की कोशिश भले ही की है, पर कंपनी आगे चलकर अगर इस सेक्टर में अगर अच्छा खासा ग्रोथ करती है तो कंपनी
कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस मॉडल आगे चलकर आने वाले 15 से 20 साल के लिए काफ़ी पॉजिटिव चल सकता है। कंपनी को अगर प्रोजेक्ट अच्छे खासे मिलते हैं, कंपनी को गवर्नमेंट डील्स अगर मिलती है तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न हमें पे आउट कर सकती है। पर अभी कंपनी इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड, बोनस, राइट्स, स्टॉक स्प्लिट कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। ये चीज़ें इस रिजल्ट के लिए कुछ है नहीं। फिलहाल उम्मीद करूँगा जानकारी पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।